जैन किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल किसान जंक्शन पर। मेरा नाम रोहित मुंजाला है। आज हम आए हुए हैं गांव दोलगढ़ में, करनाल हरियाणा में, और आज हम बात करेंगे जो किसान भाई पिग फार्मिंग करते हैं या करना चाह रहे हैं, पिग फार्मिंग में क्या क्या वैक्सीनेशन किस टाइम पे देनी चाहिए, कंप्लीट वैक्सीनेशन के बारे में हम आपको इसके बारे में नॉलेज देंगे। हमारे साथ बहुत ही एक्सपीरियंस जो किसान भाई हैं, जो पिछले काफ़ी समय से पिग फार्मिंग कर रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। वो हमें जीरो डे से लेकर के लास्ट तक का कौन सी वैक्सीनेशन किस टाइम पे देनी है, डी वार्मिंग कैसे करनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो चलिए बिना ज़्यादा देर किए मैं आपको किसान भाई के पास लेकर चलता हूँ। मिस्टर राजेश कुमार, गांव दोलगढ़, करनाल, हरियाणा। नमस्कार राजेश जी। नमस्कार जी सभी को। सर, आप हमारे किसान भाइयों को बताएं, क्योंकि आप पिछले काफ़ी समय से पिग फार्मिंग कर रहे हैं, कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी पार्ट है किसी भी फार्मिंग में, क्योंकि खास तौर पे जब बात की जाए लाइव स्टॉक की। हाँ जी, आप हाँ सर जी। किसान भाइयों को ये बताएं, जो पिग फार्मिंग के अंदर जैसे वैक्सीनेशन है, सबसे पहले आप किन वैक्सीनेशंस को फॉलो करते हैं, हमें कौन सी वैक्सीनेशन करनी चाहिए, आप उसके बारे में बताएं, कितनी वैक्सीनेशन होती हैं? देखो, वैक्सीनेशन इनकी रहती है, आयरन की रहती है, और वैक्सीन स्वाइन की भी होती है। तो जैसे अपना बच्चा होता है पैदा, वो उसका बर्थ के 4 दिन बाद उसका आयरन का इंजेक्शन लगना होता है जी। वो 1 ml लगता है जी। उससे नेक्स्ट डे अपना बी कॉम्प्लेक्स का लगना होता है जी। तो ऐसे ही फिर उसके 10 दिन बाद फिर एक आयरन का इंजेक्शन देना पड़ता है। ऐसे ही फिर मतलब कि 2-4 दिन बाद आयरन का इंजेक्शन एक और देना पड़ेगा, यानी कि 15 दिन के अंदर 3 इंजेक्शन आयरन के देने पड़ेंगे। 15वें दिन 2 ml रहता है उसका आयरन का जी। तो ऐसे ही फिर इसका आगे सर्कोवायरस को होता है 20 दिन के बाद जी। सर्कोवायरस की वैक्सीन होती है। सर्कोवायरस के बाद डिवॉर्मिंग कर सकते हैं 40-45 दिन बाद, यानी कि 1.5 महीने के बाद डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। डिवॉर्मिंग कैसे करनी है उसके बारे में बताएं। डिवॉर्मिंग रहती है उसकी, कई दफा एल्बेंडाजोल, फ्लबेंडाजोल और इवरमेक्टिन वगैरह की कई तरह की दवाई आती हैं, जिससे पेट के कीड़े की होती है वो जी। तो पेट के कीड़े की वो जरूरी होती है महीने के बाद जी। पेट के कीड़े निकल जाएंगे तो वो ग्रोथ अच्छी कर पाएगा जी। फीड वाले बच्चे के लिए भी और वेस्ट वाले के लिए भी। डिवॉर्मिंग करते ही 2-3 दिन बाद उसकी स्वाइन की वैक्सीन कर सकते हो आप। हाँ जी। 2.5-3 महीने बाद FMD की करता हूँ जी मैं। FMD की करके फिर अपना रूटीन में फिर वही 2 महीने बाद डिवॉर्मिंग का आ जाता है दोबारा। तो ऐसे चलता है जी इसका जी। ये तो ये डिवॉर्मिंग को कम से कम महीने में एक बार करना जरूरी है। महीने में तो खैर नहीं, 2 महीने में फीड वाले फार्म पे, जो फीड पे एनिमल, उनकी 2 महीने में कर सकते हो आप। 2-2.5 महीने में एक डिवॉर्मिंग कर सकते हो। और वेस्टेज पे है? वेस्टेज वाले की महीने में करनी पड़ती है, क्योंकि वो वेस्ट खाते हैं, उसमें काफी इधर उधर का होता है, तो कीड़े क्या पता क्या क्या पहले कीड़े होते हैं उसमें, कुछ और पेट में हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इस करके तो मंथली तो वेस्ट वाले की डिवॉर्मिंग रहती है जी। अच्छा, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी होती है। तो पहले वैक्सीन की नॉलेज ले, उसके बाद अपना फार्म स्टार्ट करें। वैक्सीन बहुत जरूरी है, किसी से भी लो, कहीं भी जाओ, मेरे पास आओ, मैं भी बता सकता हूँ भाई ये वैक्सीन होती हैं। तो पहले वैक्सीनेशन सीखो कैसे होती है कैसे नहीं, उसके बाद फार्म स्टार्ट करो, वरना आपको दिक्कत आ सकती है। ये सबसे बड़ा पार्ट है जी। जैसे सर आपने बताया डीवॉर्मिंग के लिए और वैक्सीनेशन के लिए किसान को खुद सीखना है, बहुत बढ़िया तरीके सर ने बताया। इसके अलावा उन किन किन बातों का समय समय पर ध्यान रखना चाहिए? जैसे उनको खाज खुजली हो जाती है जी, तो उसमें कौन सी दवाई यूज करनी है, कैसे दूर होएगी, कौन से पानी में दवाई डालनी पड़ेगी, कितनी डालनी पड़ेगी, उस चीज का पता होना चाहिए जी। जब बच्चे होते हैं उसके टीथ कट करने हैं, खस्सी करने होते हैं बच्चे जी। खस्सी कर देते हैं तो वो जल्दी ग्रोथ करते हैं जी। ये प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए इस चीज की। देखो, इसमें वैक्सीन होती है स्वाइन की, 6 महीने में 1 इंजेक्शन लगना होता है, एक दफा होती है वो, तो वो बहुत जरूरी है जी। उसकी वजह से आपका सारा फार्म खत्म हो सकता है, अगर वो प्रॉपर नहीं हुई तो जी। सारे फार्म खत्म हो सकता है, मतलब कि वो बहुत जरूरी है। एक रहती है FMD की। अच्छा। वो जैसे डंगरों में लगता है अपना मुंह खुर वाला ये रोग, तो ये बरसातों के दिनों में ज्यादा इसका रहता है, और साफ सफाई के ऊपर जी। तो FMD की वही 6 महीने में एक दफा होती है ये जी। तो ये 2 वैक्सीन काफी जरूरी है जी। और साफ सफाई का बहुत बड़ा इसमें ध्यान रखना चाहिए। अगर साफ सफाई होगी तो वैसे तो बीमारी के आने के बहुत कम चांस होते हैं, पर फिर भी सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर ये वैक्सीन नहीं हुई ना और सफाई नहीं हुई, तो समझ लो फार्म आपका गलत दिशा में चल रहा है, और आपको दिक्कत आ सकती है, बीमारी कभी भी आ सकती है आपके फार्म में। अगर नहलाने धुलाने की बात करते हैं, एनिमल को नहलाने का टाइम, जैसे गर्मी का और सर्दी का टाइम है, उसके बारे में जरूर बताएं किसान भाइयों को।
देखो सर्दियों में तो खैर आप ज़्यादा नहीं नहला सकते जी। वैसे बड़े को तो आप हफ्ते में दो दो दफ़ा या तीसरे दिन नहला सकते हो बड़े को, बाकी बच्चे को इतना नहीं नहलाना चाहिए जी। क्योंकि सर्दी का टाइम होता है और ठंड लग जाती है। बाकी गर्मियों में तो देखो नहलाने का चलती है दो तीन दफ़ा, वो तो बहुत गर्मी मानते हैं छोटे बच्चे तो उनको नहलाना पड़ता है। फोगर भी लगा देते हैं ऊपर, वो शावर चल रहता है थोड़ा अपना, उससे टेम्परेचर बना रहता है जी। तो बड़े को ज़्यादा गर्मी लगती है जी। और बच्चे को लगती है सर्दी ज़्यादा जी। तो उनको अपना गर्मियों में तो नहलाते रहते ही हैं जी जी। सर्दियों में बच्चे को बचाना होता है जी। तो किसान भाइयों बहुत बढ़िया तरीके से सर ने हमें बताया बहुत जरूरी जरूरी छोटी छोटी लेकिन काम की बातें पिग फार्मिंग के बारे में। अगर इन बातों का आप सीख लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी बात है, किसान भाई जो भी काम करना चाहते हैं वो लाइव स्टॉक से जुड़ा हुआ वैक्सीनेशन का जो पार्ट सर ने बताया, अगर आप खुद उसे नहीं सीखते उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग जरूर लीजिए। सर उसके लिए आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। सर का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आपके आसपास कोई और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाके तो आप वहाँ से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। किसान भाइयों अगर अभी तक आपने हमारे नए चैनल जिंदाबाद जिंदगी और आयुर्वेदा गुरु सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे नए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर अभी तक आप हमारी ऐप किसान जंक्शन के साथ नहीं जुड़े, जो गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, हमारी ऐप के साथ जुड़े। हमारी ऐप का माध्यम है, मकसद है कि कैसे हम पूरे भारत के किसानों को संगठित करें और कैसे हमारे द्वारा पैदा किया गया प्रोड्यूस डायरेक्टली हम कस्टमर तक पहुँचा सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।